बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो प्रशासन के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और पूछेंगे, जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से वो पहचान कर रहे हैं कि जो आम लोग हैं वो भी घर से बाहर निकल रहे हैं या फिर जो लोग काम काज के लिए निकले हैं सिर्फ वही निकल रहे हैं। सर, क्या इंस्ट्रक्शन मिले हैं आप लोगों को जिस तरह से अब लोग घरों से बाहर निकलना शुरू गए हैं, जाम लग रहा है रोडों पर? अब तो सिंगल चलना शुरू हो गया, ज़्यादा भीड़ चल रहा था जी। सिंगल चल रही है, अब इधर ट्रैफिक बढ़ा है, आज देख रहे हैं सोमवार है, आज से ट्रैफिक बढ़ी है। तो क्या कुछ इंस्ट्रक्शन मिला है आपको कि किन लोगों का चेक करना है और किन लोगों को आगे जाने देना है, किन लोगों को रोकना है? जिस तरह से लॉकडाउन 1 में जिनके पास पास था वही लोग बाहर निकल सकते थे, लॉकडाउन 2 में कुछ रियायतें मिली, आई कार्ड के थ्रू भी लोग बाहर निकलने लगे, जो सरकारी कर्मचारी हैं या फिर जो मीडिया प्रेस के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, ये आई कार्ड के थ्रू अपना बाहर निकलते थे। क्या ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन मिला है कि अभी भी कोई आई कार्ड वगैरह चेक करना है या कोई पास चेक करना है? हाँ, आई कार्ड पास तो चेक हो ही रही है, प्रेशर बढ़ा है लेकिन गाड़ी का चल रही है, पास चेक इन हो रहा है। तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो ट्रैफिक है वो बढ़ गया है और अभी भी चेकिंग जो है वो आई कार्ड वगैरह लोगों का चेक किया जा रहा है कि आखिर वो किस काम से बाहर निकल रहे हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, डाकबंगला चौराहा की तस्वीर है जो पटना का एकदम सेंटर है, यहाँ से यहाँ कई मॉल्स भी हैं और कई दुकानें भी हैं, कई शोरूम हैं यहाँ पर, वो अब चालू हुए हैं। जिस तरह से मॉल्स अभी चालू नहीं हो लेकिन शोरूम कई जो स्टैंड अलोन शोरूम्स हैं वो कई चालू कर दिए गए हैं। तो जिस तरह से अब ट्रैफिक बढ़ा है आप देख सकते हैं लगातार कि लाइन लगनी शुरू हो चुकी है गाड़ियों की पटना की सड़कों पर, और ट्रैफिक रूल जो ट्रैफिक लाइट है वो भी शुरू हो गई। अब तक ट्रैफिक लाइट ये पिछले 50 दिनों से लगभग बंद थी, जो 50 दिनों से लगभग ट्रैफिक लाइट बंद थी आज वो चालू हुई हैं और अब लोगों की जो भीड़ है, जो गाड़ियों की लाइन है वो लगनी शुरू हो गई है डाकबंगला चौराहा पर और पटना के अन्य जगहों पर भी। इस तरीके से बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, भारत लाइव के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।